जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथ्स इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के एक ऐसे चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होती क्या है? एक ऐसी पद्धति जिसमें हम अंकों के गणन का प्रयोग करते हैं, वही संख्या पद्धति होती है। जो हमारे अंक हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये हमारे मूल अंक होते हैं। इन्हीं से संख्याएं बनती हैं। जैसे मान लीजिए 4, 5, 7। अब देखिए, जो इसमें 7 है, अब इसमें कहेंगे जाति मान क्या है। जाति मान क्या होता है? लोकल वैल्यू। जैसे 7 का जाति मान कितना होगा? 7 होगा। 5 का जाति मान क्या होगा? 5 होगा। 4 का जाति मान क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट है स्थानीय मान। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, ये चाहिए, इसमें 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 1। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 10 हो गया, क्योंकि यह दहाई के स्थान पर है, 7 इकाई के स्थान पर है। और 4 का स्थानीय मान कितना हो गया? सैकड़ा, यानी 100। इसी तरह यह संख्या है, इसमें 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 10 हो गया। 8 का स्थानीय मान इकाई के अंक पे 1 ही होगा। और 9 का स्थानीय मान कितना हो गया? 100। संख्या पद्धति में जो सबसे पहले नंबर पर आती है संख्या, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इन्फिनिटी तक हो जाती हैं। यानी जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी संख्याएं जिनको हम गणना करने के काम में लाते हैं, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। नंबर 2 है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जब संख्याओं से पहले 0 लग जाए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये यानी जब संख्याओं से पहले 0 लग जाती है तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर्स बोलते हैं इनको। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और इसमें 0 भी होता है। यानी कहने का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटू से प्लस इन्फिनिटू तक जितनी संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी धनात्मक हैं, जितनी ऋणात्मक हैं, सभी, और 0 भी है, सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक संख्या हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 3.01 ये क्या है? पूर्णांक संख्या है जी। इसका पूर्णांक वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी पूर्णांक वैल्यू हो जाएगी 3। अगर कह दें
3.67। इसकी पूर्णांक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? जो पूर्ण अंक हो, मतलब कंप्लीट अंक हो। इसमें 3.01 क्या है? पूर्ण अंक नहीं है, इसमें 3 पूर्ण अंक है। तो इसकी जो पूर्णांक संख्या है इसमें क्या होगी? 3 होगी। इसकी क्या होगी? 4 होगी। दोस्तों जो अगली संख्या है सम संख्या, सम संख्या के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो संख्याएं 2 से कट जाएं सम संख्या होती है, और जो 2 से न कटे विषम संख्या होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए ले लिया जाए 4, ले लिया जाए 9, 6, 10। अब 4 देखिए, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 2 से भी कटेगा। तो इस 4 के 3 गुणनखंड हुए। तो ये 4 कैसी है? भाज्य संख्या है, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 9 का देखिए, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा। इसी तरह 6 और 10 भी, इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, इनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। दोस्तों जो अगली संख्या है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो अपने से कट जाएं और एक से कटें, यानी उनके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, तो वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। इंग्लिश में उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिया, जो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। यानी ऐसी संख्याएं जो अपने से कटें और एक से कटें, 2 अपने से कटेगी एक से कटेगी, 3 अपने से कटेगी एक से कटेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है अभाज्य संख्या। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो होती हैं 9। 1 से लेकर 50 तक कितनी हैं? तो होती हैं 15। 1 से लेकर 75 तक कितनी संख्याएं होती हैं? होती हैं 21। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 25। और 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 46 होती हैं। ये वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट कर लीजिए, यह आगे काम आएगी। दोस्तों जो अगली संख्या है सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका जो है HCF 1 होता है, यह जो है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 4, 7। अब आप कहेंगे कि 4 ये तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये 7 के साथ पेयरिंग जो बन रही है, 4 और 7 का HCF 1 होगा, इसलिए ये क्या है? सह अभाज्य संख्या हो गई है। दोस्तों जो अगली संख्या है युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, वे युग्म अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ले लें 3, यहाँ पे ले लें 5। 3 और 5 का है युग्म अभाज्य संख्या है, 3 और 5 में 2 का अंतर है। 5, 7, 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 11, 13, ये
देखिए दोनों अभाज्य हैं, इनमें दो का अंतर है, इसी तरह ये क्या हो गई, युग्म अभाज्य संख्याएं हो गई। नेक्स्ट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, इसको इवन प्राइम नंबर, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ये संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जैसे जिनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब जैसे लिख लीजिए चार, तीन, तीन बटे दो, एक बटे दो, पाँच बटे दो, ये सब संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इनको पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए लिखा जाए 0.65, 0.5, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इनको पी बटे क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए अगर कह दें 0.666, ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, ये भी परिमेय है, इसको भी परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर कह दें 0.656565, ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है, ये भी परिमेय संख्या है। क्या और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में न लिख सकें, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे ऐसे होती है। इसका मतलब ये होता है कि देखेंगे जो इसकी जो वैल्यू है 1.41 जैसे आई है, फिर 4 आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई, यानी जो है यह रिपीट नहीं हो रहा है, यह नॉन रिपीटिंग है। जैसे कर्डिंग 3 है, इसकी वैल्यू है 1.7320, ऐसे जो इसकी जो वैल्यू है रिपीट नहीं हो रही है, इसकी भी वैल्यू जैसे पाई का मान रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं, ये जो है कर्डिंग 2 है, कर्डिंग 3 है, कर्डिंग 5 है, कर्डिंग 7 है, पाई है, इनकी जो वैल्यू आती है ना, ये रिपीट नहीं होती है, तभी ये अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम कहें 0.7358, ये क्या है, कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 7358 ये देखिए रिपीट होता जा रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी दशमलव के बाद जो है यह रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार एक नई संख्या आती रही है, लेकिन इसमें जो है एक कुछ देर जो है रिपीट तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो संख्या रिपीट होती जा रही थी। यह परिमेय है और यह अपरिमेय संख्या है। दोस्तों जो अगली संख्या है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, सभी परिमेय संख्याएँ और अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अभी आप लोगों को मैं बहुत बड़ी बढ़िया तरह से पढ़ा चुका हूं। दोस्तों जो अगली संख्या है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जब कोई संख्या ऋणात्मक संख्या हो, जैसे ऋण 2 है, अगर इसका हम अंडर रूट ले लें, ये क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। बहुत छोटी संख्या है, -3 है, इसको अंडर रूट ले लिए, इसको हल कैसे करते हैं, उसी तरह इसको लिखेंगे। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आई पावर की 4 वैल्यू +1 होती है। तो ऋण 2 की वैल्यू क्या हो गई, आई कड़ी में 2,
ऋण तीन, अंडर रूट की वैल्यू क्या हो गई आई कड़ी में तीन। दोस्तों अगली संख्या है सममित संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सममित संख्याएं क्या होती हैं? सममित संख्याएं जो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिल के बनती हैं। अक्सर हम इनको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर ए रियल नंबर है और ये बी इमेजिनरी नंबर है। यानी ए प्लस आई बी के फॉर्म में जो संख्याएं मिलेंगी वह सममित संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा था, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये नंबर सिस्टम का पहला पार्ट है, अभी नंबर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट बचे हैं, उनको एक ही पार्ट में पूरा नहीं किया जा सकता। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।